हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए 3 आरआरबी से 4 बड़ी ऑफिशियली खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 6 वाले छात्रों के लिए बिग ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, क्योंकि एनटीपीसी का लेवल 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पर साथ में इसका ऑफिशियली कटअप भी जारी कर दिया गया है। इसी के बाद बात करें तो एनटीपीसी का लेवल 3 का रिजल्ट के साथ साथ एनटीपीसी का लेवल 3 का पैनल भी एक आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। वहीं पर एनटीपीसी का लेवल 6 का फाइनली पैनल भी जारी कर दिया, मतलब कि कैंडिडेट्स को बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रह चुका है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन से आरआरबी से कौन सी अपडेट आई है। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। इसी के द्वारा जो है आरआरबी कोलकाता के द्वारा एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। सबसे पहले जो है हम इसे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक किया तो देखिए 1 तारीख को कल के दिन जो है अपडेट थी, लेकिन आज वेबसाइट पर अपडेट किया गया। देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पे लेवल 3। तो लेवल 3 का यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आरआरबी कोलकाता ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आरआरबी कोलकाता का लेवल 3 का यहाँ पर रिजल्ट की पीडीएफ हमने ओपन कर ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो कैंडिडेट्स अपना जो है रोल नंबर देख सकते हैं, CBT 1, CBT 2 और वगैरह टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट को जो है DV के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। सॉरी, यहाँ पर जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि लेवल 3 में टाइपिंग टेस्ट नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट थी। तो कैंडिडेट्स को अगर बात करें तो 9 मार्च से यहाँ पर जो है DV स्टार्ट हो रहा है आरआरबी कोलकाता के ऑफिस में। सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा कैंडिडेट्स का। तो फर्स्ट शिफ्ट में ये रहा, सेकंड शिफ्ट भी रखी गई है आरआरबी कोलकाता के द्वारा ही। 9 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट रखी गई है दोपहर में 12 बजे से। अब देखिए, इसी के बाद बात करें तो 9 मार्च से स्टार्ट होकर के यहाँ पर देखिए 9 मार्च को 3 शिफ्ट भी यहाँ पर दोपहर में 2:30 मतलब दोपहर में 2:30 बजे भी यहाँ पर 3 शिफ्ट में यहाँ पर कैंडिडेट्स के DV होने है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो कैंडिडेट अपना रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। रोल नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसी के बाद बात करें तो लेवल 3 में टोटल जो है कैंडिडेट्स को, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया DV के लिए, तो यहाँ पर अगर ग्रैंड टोटल हम देखेंगे तो 465 कैंडिडेट्स को यहाँ पर DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया लेवल 3 में। इसके बाद कैंडिडेट्स के लिए ब्लॉक डेट भी जारी कर दी गई है। लेवल 3 वाले कैंडिडेट्स के लिए यदि कोई एब्सेंट होता है तो वह ब्लॉक डेट पर जो है जीनियन रीजन के साथ जो है उपस्थित हो सकता है आरआरबी कोलकाता के ऑफिस में। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है DV डेट 17 मार्च। कब दे रखा है? 17 मार्च को जो है DV सेशन फर्स्ट शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे का होने वाला है। तो बात करें तो टोटल जो है 9 तारीख से 9 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक यहाँ पर DV चलने वाले कैंडिडेट्स के, उनके लिए ब्लॉक डेट भी 17 मार्च को रखवा दी गई है। दोस्तों, उसी के बाद आरआरबी रांची के द्वारा बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। तो ये नीचे आने पर आप देखिएगा तो देखिए 1 मार्च को जो है यहाँ पर 2-2 ऑफिशियल अपडेट दी गई। सबसे पहले प्रोविजनल पैनल एंड कटअप मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का यहाँ पर जो है रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर कटअप भी जारी करवा दिया गया है। इसके बाद लिस्ट ऑन शेड्यूल ऑफ कैंडिडेट्स कार्ड फॉर 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 5। यहाँ पर लेवल 5 के लिए एडिशनल कैंडिडेट्स को जो है 4th एडिशनल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 4th एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आरआरबी रांची का लेवल 3 का हमने यहाँ पर PDF ओपन कर लिया है। देखिए, एट द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल जो है 106 कैंडिडेट्स को जो है लेवल 3 के DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर देख सकते हैं। रोल नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद बी जो दिया है द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता के लिए, तो टोटल 32 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है DV के लिए। तो टोटल 138 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर इसी के बाद बात करें आरआरबी रांची का, तो कटअप आप देख सकते हैं लेवल 3 के लिए तो ECR वालों के लिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए बात करें तो 91 जो है UR का गया, SC का 80, ST का 74, OBC का 91 और EWS का 86 गया है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में 49 जनरल का गया है, 45 जो है OBC का गया, 49 EWS का गया है, और PWBD LD कैटेगरी की बात करें तो 79 यहाँ पर OBC का गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो UR में 91, SC का 79 गया, ST का 72, OBC का हो सकता है वैकेंसी नहीं हो, और EWS में 86 कटअप गया है। एक्स सर्विसमैन में UR का बात करें तो 49 गया, PWBD LD में बात करें तो 72 यहाँ पर UR का कटअप गया है। टोटल 120 में से यहाँ पर कटअप को काउंट किया गया, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला जो है आरआरबी रांची के द्वारा जो लेवल 5 का 4th एडिशनल DV के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। देखिए, यहाँ पर देखा 4th लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 5। तो देखिए, यहाँ पर जो है लेवल 5 का जो पहला रिजल्ट दिया गया था 24 नवंबर को, फिर 20 जनवरी को, उसके बाद 21 फरवरी को दिया गया था। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है रिजल्ट यहाँ पर दिया गया। तो इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आप देखिए DV के लिए यहाँ पर नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पर लिस्ट दे रखी है
ये देखिए फोर्थ एडिशनल कैंडिडेट्स को जो लेवल 5 के डीवी के लिए बुलाया गया, तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 24 कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया एडिशनल कैंडिडेट्स के लिए लेवल 5 में। इनके लिए जो है 18 तारीख जो है डीवी की डेट रखी गई है और उनके लिए ब्लॉक डेट भी रख दी गई है, 20 मार्च को यहाँ पर ब्लॉक डेट होने वाला है। यदि कोई कैंडिडेट एबसेंट होता है जिनियन रीज़न के कारण, वो जो है बता सकता है और अपना जो है डीवी ब्लॉक डेट पर भी करवा सकता है। दोस्तों उसी के बाद आरआरबी चंडीगढ़ से भी बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जब यहाँ पर नीचे आओगे तो एक ही तारीख को अपडेट दी गई है। देखिए दो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पे लेवल 2 एंड एनटीपीसी पोस्ट, तो यहाँ पर जो है लिस्ट भी दे दी गई पीडीएफ रोल नंबर वाइज और यहाँ पर कटअप भी इसका लेवल 2 का दे दिया गया है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की रोल नंबर की पीडीएफ हमने ओपन कर ली है आरआरबी चंडीगढ़ के लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो रोल नंबर अपना देख सकते हैं, रोल नंबर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप जब नीचे आओगे तो देखिएगा टोटल अगर हम बात करें तो 463 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट किया गया लेवल 2 के डीवी के लिए। अगर इसी के बाद बात करें तो इनका जो डीवी चलने वाला है, देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देख लेगा द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कमेंस शॉर्टली एंड द शेड्यूल ऑफ डीवी विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट होगी वो जल्दी ही मतलब वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस वगैरह डाल दिया जाएगा वेबसाइट पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेवल 2 का आरआरबी चंडीगढ़ ने कटअप भी जारी कर दिया है। तो जनरल की बात करें तो सबसे पहले कैटेगरी नंबर 10 में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, टाइपिंग पोस्ट थी इसमें 92 जो है यूआर का गया है, एससी का 81 गया है, एसटी का जो है 80 गया है, ओबीसी का 90 गया है और ईडब्ल्यूएस का 89 गया है। दोस्तों हमने लेवल 2 का यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ का जो है कटअप भी ओपन कर लिया। जब लेवल जो है आपका लेवल 2 के लिए जब साइको आपका जो है सीबीटी 2 हो चुका था, उसके बाद टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया था जो कटअप गई थी, उसके बाद यहाँ पर हमने कटअप को ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो जनरल का जब गया था 79, लेकिन अब जो है लगभग 92 यहाँ पर कटअप गया है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला, लगभग जो है 12 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद एससी की बात करें तो 67 गया था सीबीटी एसटी मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए, लेकिन वहीं पर दोस्तों बात करें एससी की तो 67 यहाँ पर कटअप गया था सीबीटी एससी जब टाइपिंग के लिए बुलाया गया था जब, लेकिन अब जो है 81 कटअप गया है यहाँ पर जब डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 14 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। एसटी कैटेगरी में 65 उस टाइम कटअप गया था लेकिन अब जो है 80 गया है, मतलब 15 मार्क्स यहाँ पर भी इंक्रीज हुए अच्छे खासे। इसके बाद बात करें टाइपिंग के बाद भी यहाँ पर इतना जो है अच्छा खासा कटअप इंक्रीज़ हुआ है, 74 ओबीसी का उस टाइम गया था लेकिन अब जो है 90 गया है, मतलब आप देख सकते हैं लगभग 16 मार्क्स यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद 70 सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंक्रीमेंट अगर देखने को मिला है तो इंक्रीजिंग अगर देखने को मिला तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब जो है सीबीटी एससी टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 70 में यहाँ पर कटअप गया था लेकिन अब जो है 89 गया, मतलब लगभग 19 नंबर यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों उसी के बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें कैटेगरी नंबर 11 में, तो देखिए यहाँ पर 88 कटअप गया है और एससी का जो है 75 गया, जनरल का 88 गया है। उसके बाद बात करें एसटी का 73, ओबीसी का 83 और जो है ईडब्ल्यूएस का 83 गया है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीजिंग जो है देखने को मिला है। उसके बाद जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट है ट्रेंस क्लर्क टीसी की जो पोस्ट है इसमें जो है 96 जनरल का गया है, एससी का 88, एसटी का 85 और 95 जो है ओबीसी का गया, 92 ईडब्ल्यूएस का गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा कटअप यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ओबीसी एसटी एससी हर कैटेगरी में। दोस्तों उसी के बाद आरआरबी चंडीगढ़ ने एक और अपडेट दी है लेवल 6 वाले छात्रों के लिए, लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स इंपैनल्ड फॉर पे लेवल 6 एनटीपीसी कैटेगरी नंबर 1 एंड 2, मतलब कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए जो कैंडिडेट्स को एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीवी के लिए उनका जो है इंपैनलमेंट यहाँ पर आ चुका है। प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 दिया गया लेवल 6 का। तो यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिसशिप की बात करें लेवल कैटेगरी नंबर 1 के लिए लेवल 6 में तो एक कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंपैनल किया गया, हरीश कुमार इनका नाम है, इनका ये रोल नंबर है। इसके बाद जो स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 के लिए तो टोटल 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इंपैनल किया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट्स का रोल नंबर और जो इधर नाम भी दे रखा है, कैंडिडेट अपना नाम या रोल नंबर के हिसाब से सर्च भी कर सकता है। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, सभी तीन आरआरबी से हमने जो है आपको 4 से 5 बड़ी ऑफिशियल अपडेट दे दी है। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय फ्रेंड्स।